मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है, जो पब्लिक है, जो देख रहे हैं मुझे, जो इतना प्यार करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आई कैन बी द स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर, परफेक्ट स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्टाइल आइकन जो होता है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो एंड उसको लोग अगर सराह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दैट इज़ योर स्टाइल आई थिंक। सो जो हर किसी में एक्चुअली होना बहुत ज़रूरी है, यू डोंट हैव टू इमिटेट एनीवन, बहुत किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, यू नीड टू मेक योर ओन स्टाइल एंड यू नीड टू बी कम्फर्टेबल इन वॉट यू आर। सो आई थिंक फॉर दैट आई हैव गॉट इट। हाँ, तो ये ड्रेस भी वैसा ही कुछ है, एलिगेंट येट स्टाइलिश येट शीक एंड येट सोबर, तो स्टाइल आई थिंक वैसा ही होना चाहिए, सिंपल सोबर, क्योंकि जो एलिगेंस होता है, जो ब्यूटी होता है, वो सिंपल एंड सोबर चीज़ों में ही मुझे लगता है निकल के आता है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम वेयरिंग दिस। परफेक्ट वुमेन कैसी होनी चाहिए? मुझे लगता है परफेक्ट वुमेन कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जो जैसी है उसको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और वो खुश होनी चाहिए जैसी वो है उसको लेकर के ही। शी डजंट हैव टू कॉपी एनीवन, जैसे मैंने कहा आपको। सो या, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गुड, यू जस्ट हैव टू मेक योर ओन स्टाइल, सो दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट। नया साल आने वाला है, 2021 आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ, सबके सब, पूरी दुनिया बहुत खुश है कि 2020 चला गया है एंड 21 आ गया है। बस पहले मैंने सोचा था, प्लान किया था फैमिली के साथ ही बाहर जाएंगे, जैसे कि लास्ट ईयर भी मैं न्यू ईयर बनाने के लिए गई थी आउट ऑफ इंडिया, बट अभी तो बहुत ही घबराहट होती है बाहर जाने में, सो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग यहाँ इंडिया में ही बनाएंगे। सो मैं पहले दिल्ली जाया करती थी, तो नाउ माय पेरेंट्स आर कमिंग टू मुंबई, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू। बस आप सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, इंजॉय कीजिए, बट सेफ्टी एंड मेजर्स को देखते हुए इंजॉय कीजिए, एंड जस्ट भगवान करे 2021 ऐसा बहुत प्यारा ही निकले, कुछ भी प्रॉब्लम 2021 में हम लोग ना फेस करें। Oh, man.